मैंने कहा था ना कि एक दिन ये जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और मैं बन जाऊंगी मालकिन। क्या बात कर रही हो? अरे वाह मेरी रानी, तूने तो कमाल कर दिया। अरे वो बुड्ढे से साइन कराना कौन सी बड़ी बात थी? आज मेरी रानी सच में रानी बन गई। सिर्फ तुम और मैं राज करेंगे उस घर में। रमेश, कोई भाग रहा है हमारी बातें सुनकर। जाओ देखो। पकड़ो। अच्छा तो तू हमारी बातें सुन रहा था। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप कर। ज्योति सही कह रही थी, लेकिन मैं अपने बाबूजी की खुशी के लिए चुप हो गया था। उसने तुझे सही पहचाना था, लेकिन अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। सब जाके बाबूजी को कह दूंगा मैं। डैडी का बेटा मम्मा का भांडा फोड़ेगा, पर कैसे करेगा? यहाँ से जिंदा जाएगा तभी तो कुछ कर पाएगा। रमेश खत्म कर इसको, यही खत्म कर। तो मर गया। वो अच्छा है ना, उस घर की आबादी अपने आप ही खत्म हुई। चल इसकी लाश को टिकाने लगा। कहाँ चला गया यार तो सुबह? पापा जी, पापा जी, पापा जी, आपने रोहन को देखा क्या? नहीं बहू, यहीं कहीं होगा। पापा वो अपना फोन भी यहीं छोड़ के गए। अरे बहू कहीं बाहर गया होगा काम से, आ जाएगा। आपको तो पता है ना, रोहन बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे बहू इतना टेंशन मत लो, हो सकता है किसी जरूरी काम से गया हो और तुम्हारी नींद खराब ना करना चाहता हो। फिक्र मत करो, मैं रमेश भैया को अब भी फोन करके बोलती हूँ, वो ढूंढ लेंगे। हेलो, हाँ रमेश भैया। जीजा जी, हर जगह ढूंढा मैंने, ऑफिस दोस्त हर जगह, रोहन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, चलिए। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। क्या मिस्टर रोहन गुप्ता का घर है? जी हाँ। मैं उसका पिता हूँ। देखिए बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमें आपके बेटे की लाश मिली है। हमें लगता है कि शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या हो डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है ना? मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। क्या? मेरा मतलब है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर,
भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, उसने मेरा बेटा छीन लिया, लेकिन पोते के रूप में वो मुझे वापस लौटा रहा है। हाँ बेचारा बच्चा बिना बाप के। कैसी फूटी किस्मत है पापा मेरी, रोहन अपने बच्चे को देख ही नहीं पाया, हाँ ये बच्चा अपने बाप को। मैं समझ सकता हूँ बहू, मैं जीना नहीं चाहती पापा। तुम्हें अपने इस बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। क्या करेंगे अब रोहन के बिना। मैं रखूंगी ज्योति का ख्याल, कभी रोहन की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कुमारी को हो क्या गया, कैसी बातें कर रही है। कुमारी क्या ये, ऐसा लग रहा है सच में तुम्हारा बच्चा मर गया। यहाँ एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, मैं तो इन सब का विश्वास कैसे जीतूंगी। काहे का विश्वास, काहे की एक्टिंग, माँ बनने वाली हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे को सारा जायदाद ना मिल जाए। तुझे लगता है मैं ऐसे होने दूंगी, पागल समझ रखा है मुझको। नहीं लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उस बच्चे को जायदाद का हिस्सा ही ना मिले। वो मुझे सोच चुकी है। क्या करेगी। उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार। जल्दी चलो रस्ते निकालते। चलो जल्दी करो। रोहन इस दुनिया से चले गए बिना अपने बच्चे से मिले, लेकिन मैं उसको अपने पिता के बारे में सब बताऊंगी। जल्दी कर। आई पापा, पापा, बहू, बहू। अरे क्या हुआ बहू को? देखो ना श्री, सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? बहू? क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा तो ठीक है ना? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया, तो मैं मर जाऊंगी। शान बहू। प्लीज डॉक्टर बोलिए ना, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही, बोलिए ना। लगता है बहुत बुरी खबर है। श्री श्री जरा इधर आइए। डॉक्टर मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों ठीक तो है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत किस्मत वाली है आपकी बहू, जो सीढ़ियों से गिरने के बावजूद भी ना बच्चे को कुछ हुआ ना माँ को, दोनों ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरे वंश को उजड़ने से बचा लिया। कुमारी, कुमारी कहाँ चली गई? मेरी किस्मत ही खराब है, अपना प्लान तो मैंने अच्छा बनाया था। ये ऊपर की लाइट किसने ऑन की? इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी उसको और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ।
अरे वही तो, मुझे वो सारी प्रॉपर्टी चाहिए, उसका बंटवारा मैं नहीं होने दे सकती। ज्यादा जल्दबाजी मत कर, जल्दी जल्दी में सब कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे जल्दी ही तो करनी होगी, मैं तो सोच रही हूँ उस ज्योति और उसकी बच्चे को दोनों को मार, दोनों मुसीबतों से छुटकारा। तू पागल है क्या, दोनों को एक साथ मारेगी? अरे फंस जाएंगे हम, सोच समझ कर हमें कदम उठाना होगा। अरे शुक्र मना कि अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि रोहन को हमने मारा है और ज्योति को भी हमने गिराया है। अगर तुमने कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाया तो पकड़े जाएंगे हम। कुमारी, धोखा, इतना बड़ा धोखा! अरे तूने मेरे घर के चिराग को मार डाला और अब मेरे वरिष्ठ को खत्म करना चाहती है। नहीं श्री, जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। चुप कर, मैंने तुझसे प्यार किया, तुझ पे भरोसा किया, मुझे लगा कि सच में मेरी जिंदगी में मेरे जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए कोई आ गई, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। अरे मैंने तुझसे प्यार किया और तेरे लिए अपनी बहू अपने बेटे को डांटा मैंने, और तूने क्या किया मेरे साथ? श्री मेरी बात तो सुनिए। चुप, एक शब्द नहीं, तो सुनना था सब सुन चुका हूं मैं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझी? श्री प्लीज। अरे जीजा जी, क्या कह रहे? छोड़ मुझे, ये शराब क्या? थोड़ी देर रो। सॉरी श्री, अब तू यहां से जा, मैं अपने कमरे पर जाऊं। पापा ने शराब पी ली थी, वो भी इतनी कि उन्हें होश नहीं रहा, सीढ़ियों से गिर गए। ए रुक, मुझे एक बात बता, पापा तो तुम्हारे पास सो रहे थे ना, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? मुझे नहीं पता वो कब गए, क्यों गए, शायद शराब पीने गए थे। उन्हें कुछ दिनों से ना रोहन की बहुत याद आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे पास सो रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं चला? मैं सच बोल रही हूँ, नहीं पता चला। वैसे भी वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी, पहले रोहन फिर तुम्हारा बच्चा, बिना बाप का कैसे रहेगा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते थे। तुम इतनी खूबसूरत लग रही है कि तुम्हारी आंखों में मुझे समुद्र की लहरें नजर आ रही हैं। दिल तो कर रहा है कि लहरों में डूब जाऊं। धोखा किसने? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था।
बेचार हमें पहचान ही नहीं पाई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको, मुझे यकीन हो गया पापा जी को तुम दोनों ने मिलकर मारा है। तुम्हारे पापा जी को, तुम्हारे रोहन को, तेरा नंबर लगते लगते रहे। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। रमेश पकड़ उसे, छोड़ मुझे, छोड़। मैंने कहा जाओगी कहां? अब वक्त आ गया है तुझे दूध में।